और एक बात पे हम सब एकमत होंगे कि बहुत अच्छा संचालन भी रहा कार्यक्रम का अमरीश ठाकुर जी द्वारा, तो एक बार ज़ोरदार तालियां। और आपका ही एक शेर है कि ज़माना क्यों हुआ जाता है दुश्मन, ज़माना क्यों हुआ जाता है दुश्मन, मोहब्बत ने किसी का क्या किया है। तो इसी शेर के साथ आवाज़ देती हूँ अमरीश को कि आप भी अपनी रचनाओं से हम लोगों को कृतज्ञ करें, कृतार्थ करें। क्या नाम है? नहीं नहीं काफ़ी है, काफ़ी है। बहुत शुक्रिया भावना जी। वैसे तो संचालन में होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही था कि सबसे ज़्यादा शायरी मैंने ही कर दी। तो आदरणीय अध्यक्ष जी के आदेश के साथ मैं शुरू करता हूँ कि वैसे तो सच बोलूँ तो इससे मीठा और नहीं बोला जाता, बोल दी मैंने जितनी उर्दू आती थी। अगले 3.5 मिनट में अपनी 2 कविताएं आप सबके सामने रख रहा हूँ और उसके बाद हम अध्यक्षीय काव्य पाठ के लिए चलेंगे। कि मुझे लगता है ये दोनों कविताएं ही इस मंच के लिए हैं और मुझे सुनानी चाहिए। ऐसे सुधी श्रोता ऐसा मंच जल्दी नहीं मिलता है। सबने बहुत अच्छा पढ़ा कि मैं गीत लिखना चाहता हूँ। सुनिएगा, मैं गीत लिखना चाहता हूँ, एक ऐसा गीत जिसके अंतरों में तुम नहीं हो, तुम्हारी याद का कोई पल नहीं हो। मैं गीत लिखना चाहता हूँ, एक ऐसा गीत जिसके अंतरों में तुम नहीं हो, तुम्हारी याद का कोई पल नहीं हो। मैं लिखना चाहता हूँ मंदिरों की घंटियों पर, मैं लिखना चाहता हूँ मंदिरों की घंटियों पर। क्षमा चाहूँगा, एकदम से थोड़ा सा आ रहा है। मैं लिखना चाहता हूँ मंदिरों की घंटियों पर, बिना पतवार बेतरतीब बहती कश्तियों पर, सड़क पर बेतहाशा दौड़ती इन गाड़ियों पर, जमीन से आसमां को चूमती ऊंची छतों पर। वाह, पानी पी लिया हूँ। नहीं बोले, गर्म पानी ला रही थी। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा विलंब हो रहा है। मैं लिखना चाहता हूँ मंदिरों की घंटियों पर, बिना पतवार बेतरतीब बहती कश्तियों पर, सड़क पर बेतहाशा दौड़ती इन गाड़ियों पर, जमीन से आसमां को चूमती ऊंची छतों पर। मैं लिखना चाहता हूँ मंदिरों की घंटियों पर, बिना पतवार बेतरतीब बहती कश्तियों पर, सड़क पर बेतहाशा दौड़ती इन गाड़ियों पर, जमीन से आसमां को चूमती ऊंची छतों पर। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो फुटपाथ पर कोहरे की चादर में लिपटकर अलाव के किनारे तप रही हैं, ये जो फुटपाथ पर कोहरे की चादर में लिपटकर अलाव के किनारे तप रही हैं, मैं ऐसी सर्दियों पे गीत लिखना चाहता हूँ। वाह वाह, मैं ऐसी सर्दियों पे गीत लिखना चाहता हूँ। और एक मंजर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, आशा है आप सब तक पहुंचेगा। सुनिएगा कि मैं लिखना चाहता हूँ बेतहाशा बारिशों पर, वो बारिश जिससे नदियों के किनारे बढ़ गए हैं, बहाकर ले गए हैं जाने कितनों के घरों को। बारिश का एक रूप ये भी होता है। मैं लिखना चाहता हूँ बेतहाशा बारिशों पर, वो बारिश जिससे नदियों के किनारे बढ़ गए हैं, बहाकर ले गए हैं जाने कितनों के घरों को। और उन बेघर किसानों की, और उन बेघर किसानों की जिन्हें 2 जून की रोटी भी अब हासिल नहीं है, क्या कहना? वो जिनकी लड़कियाँ फसलों से पहले पक गई हैं, क्या कहना है, क्या कहना। और उन बेघर किसानों की, क्या कहना, जिन्हें 2 जून की रोटी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि उन, और उन बेघर किसानों की जिन्हें 2 जून की रोटी भी अब हासिल नहीं है, वो जिनकी लड़कियां फसलों से पहले पक गई हैं, मैं उनकी लड़कियों पे गीत लिखना चाहता हूँ। मैं गीत लिखना चाहता हूँ, एक ऐसा गीत जिसके अंतरों में तुम नहीं हो, तुम्हारी याद का कोई पल नहीं हो। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। महाभारत सुनाते हैं, बहुत समय बहुत हो रहा है। मैं एक, मेरी रचना है महाभारत, वो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। कि मेरा मानना है कि महाभारत जो है वो आज भी चल रही है, और हमारा चयन तय करता है कि हमारा पक्ष क्या है, कौरव है या पांडव है, या हमारा चयन है। तो बिल्कुल सबके सामने रख रहा हूँ कि कर रहा विलाप पाप, जुड़ जाइएगा पंक्तियों के साथ में, कि कर रहा विलाप पाप बढ़ रहे हैं धर्मराज, संजय खड़ा सुना रहा है कौरवों का सर्वनाश।
सूर्य छुप गया कहीं और धरा भी हिल रही, सूर्य छुप गया कहीं और धरा भी हिल रही, ये कैसा वक्त आ गया, न दिन है ना निशा रही, ये युद्ध एक प्रमाण है मनुष्यता की जीत का। वाह, ये युद्ध एक प्रमाण है मनुष्यता की जीत का। इसी में दिख रहा है फर्क द्वेष और प्रीत का। क्या कहना है, ये युद्ध एक प्रमाण है मनुष्यता की जीत का। इसी में दिख रहा है फर्क द्वेष और प्रीत का। अभी खत्म नहीं हुआ ये युद्ध, अब भी जारी है, अभी भी पांडु पुत्र है, अभी भी वंशीधारी है। वाह वाह, अभी खत्म नहीं हुआ ये युद्ध, अब भी जारी है, अभी भी पांडु पुत्र है, अभी भी वंशीधारी है, अभी भी वीर कर्ण के ज्ञान चक्षु बंद है, अभी भी द्रोणाचार्य के अंतर हृदय में द्वंद है। वाह वाह, परंतु मित्र देखना ये युद्ध हारना नहीं। हाँ, परंतु मित्र देखना ये युद्ध हारना नहीं, अधर्म के समक्ष अपने अस्त्र डालना नहीं। तुम्हें शपथ है सत्य की, स्वयं तुम्हारे रक्त की। वाह भाई, तुम्हें शपथ है सत्य की, स्वयं तुम्हारे रक्त की। तुम्ही में आज भीष्म है, तुम्ही में आज पार्थ है, तुम्हारे हाथ में ही आज द्रौपदी की लाज है। क्या कहना अमृत जी, आज भी समर्थ हो। वाह, तुम्ही में आज भीष्म है, तुम्ही में आज पार्थ है, तुम्हारे हाथ में ही आज द्रौपदी की लाज है। तुम आज भी समर्थ हो, पुनः विजय तुम्हारी है। ये युद्ध अब भी जारी है, ये युद्ध अब भी जारी। क्या कहना अमृत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह अमृत जी, वाह। अपनी काव्य पाठ को यहीं विराम देता हूँ और हाँ एक बूंद। अच्छा आइए फिर मैं कुछ एक गजल के कुछ शेर दीजिए अमृत, कि मैं लिखता क्या हूँ। तब तक मैं चाय पीता हूँ, तब तक मैं चाय पी रहा हूँ, सुनाते रहिए। ठीक है, प्रशांत जी का ये फेवरेट है, हालांकि मैं बहुत कम पढ़ता हूँ फिर भी। कि मैं क्या लिखता हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि मेरी आदत है मैं ख्वाबो ख्याली पर नहीं लिखता, सवालों पे लिखता हूँ, सवाली पर नहीं लिखता। वाह वाह वाह, मेरी आदत है मैं ख्वाबो ख्याली पर नहीं लिखता, सवालों पे लिखता हूँ, सवाली पर नहीं लिखता। मैं कायल हूँ दरख्तों का जो जलकर आग देते हैं, एक पेड़ अगर सूख भी जाए तो जलाने के काम आता है। मैं कायल हूँ दरख्तों का जो जलकर आग देते हैं, करीने से पली फूलों की डाली पर नहीं लिखता। मैं कायल हूँ दरख्तों का, बहुत शुक्रिया, कायल हूँ दरख्तों का जो जलकर आग देते हैं, करीने से पली फूलों की डाली पर नहीं लिखता। शहर बेशक घिरा रहता है मजहब के बवालों में, शहर बेशक घिरा रहता है मजहब के बवालों में, बवालों पर तो लिखता हूँ, बवाली पर नहीं। क्या कहना है, क्या बवालों पर तो लिखता हूँ, बवाली पर नहीं लिखता। बहुत शुक्रिया। और हूँ लिखता उसके सजदे में जो ताउम्र साथ रहती है। मैं इस प्रांगण में मौजूद हर महिला शक्ति से माफी के साथ ये शेर पढ़ रहा हूँ, कि हूँ लिखता उसके सजदे में जो ताउम्र साथ रहती है मेरी बेगम, मैं इस महफिल में हर एक आने वाली पर नहीं लिखता। वो लिखता उसके सजदे में जो ताउम्र साथ रहती है, मैं इस महफिल में हर एक आने वाली पर नहीं लिखता। कभी डरता नहीं हूँ इश्क के इजहार से लेकिन, अच्छा कभी डरता नहीं हूँ इश्क के इजहार से लेकिन, जो इन ख्वाबों में है उस सुरमे वाली पर नहीं लिखता। क्या? कभी डरता नहीं हूँ इश्क के इजहार से लेकिन, जो इन ख्वाबों में है उस सुरमे वाली पर नहीं लिखता। और शेर देखिएगा कि हूँ लिखता मैं लिखता हूँ तिमिर में रोशनी देते चरागों पर, तिमिर मतलब अंधेरा, मैं लिखता हूँ तिमिर में रोशनी देते चरागों पर, अमीरों के यहाँ मनती दिवाली पर नहीं लिखता। वाह वाह, मैं लिखता हूँ तिमिर में रोशनी देते चरागों पर, अमीरों के यहाँ मनती दिवाली पर नहीं लिखता। और शेर आखिर है कि लोग अपने नाम के साथ में एक उपनाम रखते हैं तो उसके लिए है तखल्लुस, जिसको कहते हैं कि आखिर शेर है कि तखल्लुस कुछ नहीं लिखता न कोशिश आजमाता हूँ, तखल्लुस कुछ नहीं लिखता न कोशिश आजमाता हूँ, मेरे मोहसिन मैं अब लोगों की ताली पर नहीं लिखता। मेरे मोहसिन मैं अब लोगों की ताली पर नहीं लिखता, मेरी आदत है मैं ख्वाबो ख्याली पर नहीं लिखता। यहाँ पे विराम देता हूँ अपनी कंठ को और अध्यक्षीय काव्य पाठ पर बुलाता हूँ। मेरी कविता से तो मैं क्या ही बुलाऊंगा,
तो चार पंक्तियां रसखान की धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी का छोटी, वा छवि को रस खानी मिलोकत वारत काम कलानी भी कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी।